मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, उन्होंने 60 साल में जो बर्बादी लाई है, मैं 60 महीने में देश को उससे बाहर निकालने का इरादा लेकर के आया हूं भाई। अब घबराने की जरूरत नहीं, मोदी सरकार के अथक प्रयासों से महंगाई पर लगाम लगने लगी है, क्योंकि थोक मूल्यों वाली महंगाई दर पर काबू पाने में कामयाब हो गई है केंद्र सरकार। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर सितंबर महीने में 2.38 पर जा पहुंची है, जो कि पिछले 5 साल का सबसे न्यूनतम है, जबकि पिछले साल सितंबर महीने में 7.05% पर थी। वहीं खुदरा महंगाई दर में भी गिरावट आ गई है। भारत सरकार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर महीने में 6.46 पर जा पहुंचा है, जबकि पिछले साल सितंबर महीने में ये 9.84% थी। बीते कई वर्षों से बेलगाम हो रही महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के उपाय कारगर साबित हो रहे हैं, जिसका फायदा अब देश को आगे भी मिलने वाला है। पिछली सरकार ने जिस तरह से महंगाई का बवंडर बनाया था और काबू नहीं हो पाने की बात कही थी, उस पर काबू पा मोदी सरकार ने ये साबित कर दिया है, सशक्त नेतृत्व से कोई भी काम संभव है, चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो। भारत को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।